अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाने की सरकार की तैयारी है और उत्तर प्रदेश के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं गृह विभाग के मुखिया वो अयोध्या पहुंचे। सर आज साधु संतों के साथ बैठक की है, क्या तैयारी है? बहुत सुंदर तैयारी है, ये तीसरी बार जो है अयोध्या में दीपोत्सव होगा। राम की पैड़ी को बहुत अच्छे से सजा दिया गया है, सिंचाई विभाग में 6 पंप लगा दिए हैं। पहली बार राम की पैड़ी में पानी की व्यवस्था हुई है, दीपों की व्यवस्था 5.5 लाख से ज़्यादा होगी, बहुत खूबसूरत होगा, पूरे देश से लोग आएँ, हमारी केवल ये चाहत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने वाला, उसको भी लेकर सुरक्षा के इंतजाम यहाँ किए जा रहे हैं? समस्त इंतजाम रहेंगे, कहीं भी सुरक्षा की कोई कमी नहीं रहेगी। इस बार भव्य होगा, नया रिकॉर्ड बनेगा, सुंदर, बहुत सुंदर होगा, बहुत सुंदर। सरकार को मदद मिलेगी दीपोत्सव को भव्य करने में? देखिए दीपोत्सव जन जन का कार्यक्रम है, साधु संतों का आशीर्वाद तो हमेशा ही हर कार्यक्रम में रहता है, सभी की सहभागिता हो, सभी के इसमें सुझाव मिलें और पूरा उत्सव के वातावरण में, उल्लास के वातावरण में ये दीपोत्सव कार्यक्रम हो, एक ऐतिहासिक हो, ये हम सबका प्रयास है। साधु संतों ने आज कहा कि नाले गिर रहे हैं सरयू में, सरयू का नाम बदलने की भी मांग की है, इस पर भी सरकार कुछ विचार करेगी? इन नालों में बड़ा तेजी से कार्य चल रहा है और जैसे बताया गया है कि नवंबर माह तक जो भी मुख्य नाले हैं उनके कार्य कर लिए जाएंगे ताकि उनका पानी उसमें ना गिरे। सर सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला आने वाला है, उसको लेकर भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं? सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहेगी, शांति व्यवस्था पूरी सुनिश्चित रहेगी, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।